हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर वेयर वी विल सी अवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ सप्लीमेंटरी रीडर ब्रिंगिंग अप कैरी। हमने देखा था लास्ट टाइम पार्ट वन में आधी स्टोरी हमने देखी थी। विल कंटिन्यू विद द चैप्टर टुडे। ठीक है। कैरी इज अ फास्ट लर्नर। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। देयर इज वन लेसन डो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 ईयर्स टू लर्न। कैरी इज नो एक्सेप्शन। तो कैरी फास्ट लर्नर है। ठीक है। उसको सिग्नल सिग्नल सब पता चल जाते हैं। साउंड जो उसको बताए सिखाए जाते हैं वो भी पता चल जाते हैं। एक लेसन है ऐसा जो एलिफेंट को 5 साल लगते हैं सीखने में और कैरी को भी 5 साल लगे। चलिए देखते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट वेन टू सिट डाउन वेन टू वॉक वेन टू गो फास्ट एंड वेन टू गो स्लो। तो एलिफेंट को सिखाया जाता है उसको सिखाना पड़ता है। मस्ट बी टॉट एलिफेंट को सिखाना पड़ता है भी कब बैठना है कब चलना है कब आपको फास्ट जाना है कब धीरे जाना है। ठीक है। ये सब चीजें एलिफेंट को सिखानी पड़ती हैं। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। एक छोटे से बच्चे को आप जैसे सिखाते हैं वैसे ही एलिफेंट को भी आपको सिखाना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे धत और उसको कान से खींचेंगे ठीक है तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा बैठना। ठीक है। बैठना वो सीख जाएगा अगर आप कान पकड़ के धात ऐसा बोलते हैं। वैसे ही माली ऐसा आप बोलते हैं और उसका जो ट्रंक है ट्रंक मतलब उसका जो पेट का भाग है उसको धक्का मारते हैं पुल करते हैं ठीक है खींचते हैं आप तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि आपको चलना है। ठीक है। ट्रंक का एरिया आप खींचेंगे पुल करेंगे और आप बोलेंगे माली तो वो धीरे धीरे चलना सीखेगा उससे चलना है ऐसा समझ जाएगा वो। कैरी लर्न्ड माली After 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धात। 3 lesson के बाद माली उसको पता चल गया कि भाई धक्का मारा है तो बस आगे बढ़ना है वो सीख गया कैरी। लेकिन उसको 3 हफ्ते लगे धात सीखने में। मतलब धात बोल के उसको कान से खींचना तो वो नीचे बैठना सीखेगा। ठीक है। He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. तो वो बैठने में अच्छा नहीं था। ठीक है। और आपको पता है एलिफेंट को क्यों सिखाना पड़ता है नीचे बैठना? क्योंकि वो लंबा ऐसा ही लंबा होता ही जाता है टॉलर एंड टॉलर। ठीक है। वो टॉलर एंड टॉलर होता ही जाता है और जो आप जैसे आप अगर उसका ध्यान रख रहे हैं एलिफेंट का ध्यान रख रहे हैं तो जब 2 या 3 साल का हो जाएगा ना तो आप उसके पीठ पे तभी चढ़ पाएंगे जब आपके पास एक लैडर हो। लैडर मतलब जब आपके पास एक सीढ़ी हो। ठीक है। तभी चढ़ पाएंगे तो इतना लंबा वो हो जाता है। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धात सो दैट यू कैन क्लाइंब अप ऑन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। तो ये बढ़िया है कि भी उसको धात बोल के हम बैठना सिखाएं और उसके पीछे हम कूद के चढ़ जाएं। ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान रहेगा। और अगर आप नहीं सिखा रहे तो कौन चाहेगा सीढ़ी लेके घूमना हर समय है? हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। हर समय सीढ़ी लेके कौन घूमना चाहेगा? कोई नहीं। तो इसीलिए सिखाते हैं धात जिससे वो सीखे बैठना नीचे और हम उसकी पीठ पे चढ़ सकें। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. He generally takes 5 years to learn it properly. अब ये master call क्या होता है? चलिए देखते हैं। The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. तो सबसे difficult क्या है elephant को सिखाना? वो है master call. ठीक है? Master call सिखाना सबसे difficult है। 5 साल लगते हैं उसको ये जनरली सीखने में। ठीक है। ठीक से सीखने में ये मास्टर कॉल जो है वो एक स्ट्रेंज अजीब सी स्ट्रेंज मतलब अजीब सी हिसिंग और हाउलिंग साउंड है। हाउ वो जो आवाज होती है। ठीक है। ऐसी आवाज जो एक स्नेक और टाइगर एक दूसरे से अगर फाइट कर रहे हैं जैसे आवाज निकलेगी। स्नेक और टाइगर फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से और जो आवाज निकलती है ठीक है वो आवाज को हम बोलते हैं स्ट्रेंज हिसिंग और हाउलिंग साउंड। तो ऐसी आवाज वो उसके कान में ठीक है आपको बोलनी पड़ती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। उसके कान में ऐसी आवाज बोलनी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट
एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. तो आपको पता है आप जब मास्टर कॉल करते हैं तो एलिफेंट क्या करेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे एलिफेंट से. इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबोव यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर. तो अगर आप जंगल में खो गए हैं, ठीक है, और आपके पास रास्ता भी नहीं है निकलने का और सब काला हो चुका है, काला मतलब रात हो चुकी है, आपके ऊपर खाली स्टार्स ही हैं, तो आप वहां लंबे समय तक नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है, जंगल के अंदर. द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक. तो एक ही चीज, वो जो मास्टर कॉल अगर आप देते हैं, ठीक है, तो एलिफेंट क्या करेगा, वो जो उसके सामने पेड़ होगा ना, वो उसके ट्रंक से नीचे खींच लेगा, ठीक है, उसके ट्रंक से वो नीचे खींच लेगा. ये जो है वो जो पेड़ जोर से हिलाएगा और नीचे गिरेगा, ठीक है, जैसे ट्री गिरता है. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. तो आजू बाजू के जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो एनिमल्स डर जाते हैं इससे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. तो अगर ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर, वो ट्री उखाड़ ही देता है पूरा. ओके तो वो ट्री पूरा ही उखाड़ देता है, और जैसे ही ट्री उखड़ जाता है तो मंकी जो होते हैं वो स्लिप से उठ जाते हैं, वो ब्रांच से ब्रांच कूदने लगते हैं, ठीक है. यू कैन सी देम इन द मूनलाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो. तो आपको दिख जाएगा अगर आप मास्टर कॉल करते हैं और पेड़ उखड़ जाता है, तो मंकीज जो है वो बिखरने लगेंगे, कूदने लगेंगे, और चांद की रोशनी में आपको ये दिखने लगेगा. और आपको ये भी दिखेगा कि जो हिरन होते हैं, स्टैग, स्टैग मतलब हिरन, जो हिरन होते हैं वो हर डायरेक्शन में भागने लगेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे हिरन भाग रहे हैं, ठीक है. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ अ टाइगर इन द डिस्टेंस. तो दूर में टाइगर की आवाज भी आपको सुनाई देगी. इवन ही इज फ्राइटन, वो भी डरा हुआ होता है टाइगर, ठीक है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. तो आप पता चल जाएगा आपको कि उसने एक रास्ता बना लिया है, एक के बाद एक वो ट्रीज जो है, ठीक है, वो तोड़ने लगेगा और जंगल के थ्रू एक सीधा रास्ता आपके घर तक वो बना देगा आपके लिए. तो ये जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज है, और 5 साल लगते हैं मास्टर कॉल सीखने में, ठीक है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी, और वो लिया है करी द एलिफेंट में से. करी द एलिफेंट उनके जो बुक है, ठीक है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ, ये पैराग्राफ लिया हुआ है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की. क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वन बाय वन विल सी. द एनक्लोजर इन विच कैरी लिव्ड हैड अ थैच्ड रूफ दैट ले ऑन द थ्री स्टम्स. ओके, एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरीज पेविलियन ऑन पेज 8 एंड से व्हाई इट वाज बिल्ड दैट वे. चलिए देखते हैं इसका आंसर. The illustration of Carey's pavilion on page number 8 confirms that the thatched roof rested on 4 thick tree stumps. The pavilion was built in this way so that the elephant could move about freely inside the enclosure. So, Carey का जो pavilion बना था, Carey का जो छोट वो बड़ा सा घर जैसा बना था, ठीक है, वो कंफर्म होता है पेज नंबर 8 के इलस्ट्रेशन से. इलस्ट्रेशन मतलब वो जो डायग्राम है पेज नंबर 8 पे, वो जो पिक्चर है पेज नंबर 8 पे, वहां से कंफर्म होता है, ठीक है, कि वो एक रूफ पे, एक बड़ा सा रूफ था, ठीक है, और 4 बड़े बड़े ट्री के स्टम्प्स थे, ठीक है. चलिए हम वो डायग्राम पे आते हैं वापिस, पेज नंबर 8 पे देखते हैं वो डायग्राम. चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा बनाया गया है, 4 बड़े बड़े पेड़ के लकड़ों से बड़ा सा ऊपर एक थैच्ड रूफ बनाया है घास से, ठीक है. आप देख सकते हैं कैसे बनाया वो रूफ. यस, ओके, चलिए आंसर पे वापस आते हैं. तो कैरी का जो पेविलियन था, ठीक है, वो थैच्ड रूफ से बना था, जो 4 बड़े
ट्री स्टम्प से, मतलब ट्री के थड़ से बना हुआ था वो पेविलियन। इसलिए बना, ऐसे बना था कि एलिफेंट उसके अंदर मूव कर सके, आजू बाजू घूम सके, ठीक है, इनसाइड द एनक्लोजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड कैरी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर? यस, कैरी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। क्या करता वो? ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल द नैरेटर रब्ड हिम विद क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। तो वो सैंड बैंक पे, सैंड बैंक मतलब किनारा जो होता है ना उसको सैंड बैंक बोलते हैं, तो वो जो धूल वाला किनारा था, ठीक है, वहां पे वो लेट जाता था, और जो नैरेटर है, जो जिसने ये स्टोरी बताई है, ठीक है, वो स्टोरी सॉरी वो एलिफेंट को वो साफ रेती से वो साफ करता था रिवर के साइड में, ठीक है, रिवर की जो मिट्टी होती है उससे साफ करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक वो पानी के अंदर रहता, उसकी स्किन जो है वुड शाइन लाइक इबोनी ऑन कमिंग आउट फ्रॉम वॉटर एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज द नैरेटर रब्ड वॉटर डाउन हिज बैक। तो उसकी जो स्किन थी, ठीक है, वो काली और बहुत चमकदार हो जाती थी जब वो वॉटर से बाहर आता था तब, और वो आवाज करता था अपनी सूंड से, बहुत ही बढ़िया, खुश हो जाता था प्लेजर से। एज द नैरेटर रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, तो पानी जो है वो नैरेटर रब करता है पानी, ठीक है, साफ करने के लिए उसको, तो बहुत ही खुश हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। व्हाई? करी के लिए बढ़िया बढ़िया टहनिया फाइंड करना बहुत समय लगता था उसमें, क्यों? द नैरेटर वुड क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर करी। तो नैरेटर जो था, ठीक है, वो हर एक जात के ट्रीज पे क्लाइंब करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया डेलिकेट और अच्छी अच्छी टहनिया कैरी के लिए तोड़ता था, और तोड़ने का भी एक स्पेशल रीट था। इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्रीज विदाउट म्यूटिलेटिंग धैम, म्यूटिलेटिंग मतलब प्रॉपरली कट करना पड़ेगा, अगर प्रॉपरली कट नहीं करेगा, ठीक है, तो एलिफेंट नहीं खाएगा। तो म्यूटिलेट करना मतलब ऐसे ही हड़बड़ी में काट देना, ठीक है, तो हड़बड़ी में नहीं काटना है, प्रॉपरली काटना है। द हैचेट नीड टू बी वेरी शार्प एंड इट वुड टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। हैचेट जो होता है, ठीक है, वो काटने वाली चीज, वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, क्योंकि उसको शार्प करने में भी आधा घंटा लगता है। तो देयर फॉर इट वुड टेक द नैरेटर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड गुड ट्विग्स फॉर करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Curry push his friend into the stream? भाई स्ट्रीम में करी ने क्यों धक्का दिया, उसके फ्रेंड को धक्का क्यों दिया स्ट्रीम में? करी पुश्ड हिज फ्रेंड द नैरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अ बॉय लाइंग फ्लैट एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड ही वांटेड हिम टू सेव द ड्राउनिंग बॉय। करी ने अपने फ्रेंड द नैरेटर नैरेटर को स्ट्रीम के अंदर इसलिए धकेला, ठीक है, क्योंकि एक बॉटम रिवर ऑफ रिवर के बॉटम में एक बॉय था वहां पे जो लेटा हुआ था, मतलब नीचे तैर रहा था बहुत ही नीचे गहराई में, और करी चाहता था कि उसके उसका जो फ्रेंड है वो डूबने वाला जो बच्चा है उसको बचा ले। करी वॉज लाइक अ बेबी। वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन? करी बेबी जैसा था, कंपेरिजन करें तो क्या लगता है आपको? करी वॉज लाइक अ बेबी एज इट हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ इट वॉज नॉट टोल्ड वेन इट वॉज नॉट ई इट वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। तो करी एक बेबी जैसा था, ठीक है, उसको अच्छा रहने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए था, ट्रेन किया पढ़ना मतलब ट्रेन करना पड़ता था अच्छा रहने के लिए, और उसको तब बोलना पड़ता था जब वो नॉटी था। अगर नॉटी पे वो ना बोले तो वो ज्यादा मिसचीफ करने लगता था, ठीक है, ज्यादा मस्ती करने लगता था, तो उनको बोलना बहुत ही जरूरी था, ठीक है, कि भाई आपने ये अच्छा नहीं है, ये बुरा किया। करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनी वन नोटिस्ड ए हिट। हाउ डिड ही डू इट? भाई बनानास जितने भी घर में थे वो सारे उसने ले लिए थे। लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट यूज टू बी केप्ट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम ऑफ द नैरेटर्स हाउस। तो टेबल के पास, टेबल में, टेबल के ऊपर विंडो के पास बड़ी सी फ्रूट की प्लेट थी, ठीक है, डाइनिंग रूम में जो नैरेटर का हाउस था वहां पे। करी क्या करता? करी वुड पुट हिज ट्रंक इन थ्रू हिज दिस विंडो एंड पिक अप ऑल द बनानास केप्ट इन द प्लेट।
ही वुड देन ईट दी स्टोलन बनानास इन हिज पवेलियन। तो करी क्या करता, वो अपने सूंड से वो विंडो के थ्रू जाके वो सारे बनानास उठा लेता, ठीक है, जो प्लेट के अंदर पड़े हुए थे, और फिर वो जो चुराए हुए बनानास हैं वो पेविलियन में खाता था मजे से। करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू टॉक टू वॉक, व्हाट वेर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। भाई बैठने के लिए और चलने के लिए कौन से कमांड्स थे जो करी ने सीखे, चलिए देखते हैं। टू मेक करी सिट डाउन द नैरेटर वुड से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर। करी को नीचे बैठाने के लिए वो जो नैरेटर था, ठीक है, वो धत बोलता और ईयर से उसको खींचता तो वो नीचे बैठ जाता। टू मेक हिम वॉक द नैरेटर बोलता कि भाई माली, और वो ट्रंक जो है वो नीचे वो आगे बढ़ता, मतलब वो जो आगे चलने लगता, उसको चलने के लिए नैरेटर जो है वो माली पकड़ता, माली बोलता और उसकी ट्रंक पकड़ता और उसको खींचता आगे। मास्टर कॉल क्या है भाई, वाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रिंग हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर आर फाइटिंग ईच अदर एंड दिस काइंड ऑफ नॉइज हैज टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर। मास्टर कॉल एक स्ट्रेंज और हिसिंग साउंड था, ठीक है, हिसिंग और हाउलिंग साउंड था, अजीब साउंड था वो, जैसे एक सांप और एक टाइगर झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, और ऐसा जो नॉइज है, ठीक है, वो एलिफेंट के कान में आपको करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिफेंट का सिग्नल होता है जो उसको सीखना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपको रास्ता मालूम नहीं है, ठीक है, तो आपको एक ही रास्ता पता होगा, मास्टर कॉल देना एलिफेंट को। तो मास्टर कॉल देते हैं, एट वंस एलिफेंट क्या करने लगता है, जितने भी ट्रीज उसके सामने होते हैं, ठीक है, वो अपने सूंड से तोड़ने लगता है, काटने लगता है, गिराने लगता है। इससे दो चीजें होती है, सबसे पहले उसके आजूबाजू जितने भी एनिमल्स है वो डर के भाग जाते हैं, और दूसरा एक रास्ता फॉर्म हो जाए, रास्ता हो जाता है सीधा घर तक जाने का, ठीक है, एक ऐसा रास्ता फॉर्म हो जाता है सीधा घर तक जाने का। ठीक है बेटा, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर्स रख दिए हैं, मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये रहे नंबर वन के आंसर, मैं आपको देता हूँ 10 5 सेकेंड्स, आप पॉज करके लिख दीजिए, ठीक है, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर टू के लिए 5 सेकेंड्स देता हूँ मैं, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए 5 सेकेंड्स देता हूं मैं, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए 5 सेकेंड्स देता हूं, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए 5 सेकेंड्स देता हूं, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए 5 सेकेंड्स देता हूँ, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर एट के लिए 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर, और ब्रिंगिंग अप कैरी हमारा सप्लीमेंट्री रीडर नंबर टू इज ओवर नाउ। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं हमारे सप्लीमेंट्री रीडर थ्री द डेजर्ट पे, ठीक है, द डेजर्ट की हम बात करेंगे, सप्लीमेंट्री रीडर नंबर थ्री। डेजर्ट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे आज, थोड़ा ओवरऑल थोड़ा कुछ शुरू करते हैं, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बट ओवरऑल थोड़ा कुछ देख लेते हैं। डेजर्ट जो है वो क्या है आपको तो पता ही है, राइट। डेजर्ट जो है उसको हम रण बोलते हैं गुजराती में, राइट, रेतीला मैदान, बड़ा सा रेतीला, रेत रेत हो जाती है उसके अंदर। डेजर्ट जो है उसमें पानी नहीं होता है, डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, उसमें कोई क्रॉप वॉप उगते नहीं है, ठीक है। बड़े से डेजर्ट्स के बीच में एक ग्रीन कलर का पैच हो, पैच मतलब ग्रीन कलर की थोड़ी सी जमीन हो जहाँ पे फ्रेश वाटर मिले या ग्रीन ट्रीज हो, तो कितना बढ़िया लगता है, राइट। इन द मिडल ऑफ द वास्ट, वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा, वास्ट को अंडरलाइन कर दीजिए, लिख दीजिए, बहुत ही बड़ा डेजर्ट, एक बहुत ही बढ़िया साइट होती है, एक बढ़िया दिखाई देता है आपको, बहुत ही अच्छा लगता है।
डेजर्ट बहुत गर्म भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं डेजर्ट की। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स मे डिफाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक। तो जो लोग फॉरेस्ट के आजू बाजू में रहते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर होता है या हिल्स के आजू बाजू होते हैं, वो लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत ही प्रॉब्लम पड़ता है इमेजिन करने के लिए भी डेजर्ट कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेन नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। तो हम जो मानते हैं, पॉपुलरली सबको पता है डेजर्ट क्या होता है, वो क्या होता है कि भाई एक इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। एंडलेस मतलब जब कोई भी कभी भी खत्म ना हो, ऐसा स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब पट्टा। ठीक है, एक सैंड का ऐसा पट्टा हो जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, जहां पे रेनफॉल पड़ती नहीं है, रेन नहीं होता है और वहां पे कोई क्रॉप्स भी नहीं उग सकते हैं, कोई वेजिटेशन, कोई लीलोतरी नहीं होती है। ठीक है, इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। एकदम ड्राई होता है, बहुत ही गर्म होता है, पानी नहीं होता है वहां पे, और विदाउट शेल्टर, वहां पे कोई रहने की जगह भी नहीं होती है। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, ये सब कुछ सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो डेजर्ट जिसने स्टडी किया है, ठीक है, उनके लिए तो डेजर्ट एक बहुत ही बढ़िया सुंदर जगह है। इट इज द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो डेजर्ट जो है वो ऐसे अलग अलग वेराइटी के लोग, एनिमल्स और प्लांट्स के घर रह चुके हैं। ठीक है, जो समझ चुके हैं कि गर्म और ड्राई एरिया में, सूखे एरिया में कैसे रहना है। सही है, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन द अदर क्लाइमेट्स, बट वेन एवर इट रेन, विच इज रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट्स कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तो भाई ये बात तो सही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन ग्राउंड हमेशा छुपा हुआ नहीं होता है। ठीक है, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन, वो जो जमीन होती है उसमें ग्रास हो, प्लांट हो, ट्री हो, हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, ये तो बात सही है। लेकिन जब बरसात होती है, ठीक है, कहीं कहीं कुछ ही बार होती है बरसात डेजर्ट में, तो जब बरसात होती है तो डेजर्ट के फ्लावर्स खिलते हैं। ठीक है, और वो जब आप देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप कोई गार्डन में खड़े हैं। ठीक है, और वो आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा ही लगे कि आप गार्डन में ही खड़े हैं। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। डेजर्ट एक फ्लैट, सपाट, ठीक है, वेस्ट लैंड मतलब हमारे कोई काम का नहीं है जमीन, और कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और खाली वहां पे ड्राई रेती ही हो, ऐसा नहीं होता है हर वक्त। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, उसमें माउंटेन्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें हिल्स भी होते हैं। ओके, इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। अब ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। ठीक है, तो भाई वहां पे ओएसिस भी होता है, बड़ा या छोटा। ओएसिस एक ग्रीन आइलैंड जैसा होता है, ठीक है, डेजर्ट के बीच में, जहां पे एक स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब पानी का सोता, ठीक है, पानी या कोई कुआं, वो आजू बाजू के प्लांट और ट्रीज को पानी देता है और उनको बेटर चांस देता है ग्रो करने का, वो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखो रण में लोग रहते हैं, राइट, रण में तो लोग रहते ही हैं। आप यहाँ पे ये वेशभूषा देखें तो ये वेशभूषा राजस्थानियों की वेशभूषा है, राइट, तो ये जो है वो एक राजस्थान का सीन भी आप देख सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे पानी का सोता है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, जिसके आजू बाजू प्लांट्स वांट ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे पेड़ भी है, राइट। तो इसको हम ओएसिस बोलते हैं, पानी का सोता जहां पे होता है, पानी जहां पे होता है उसको हम ओएसिस बोलते हैं, वो एरिया जहाँ पे आजू बाजू में प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। और डेजर्ट में भी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। डेजर्ट गर्म भी हो सकता है, थार डेजर्ट जितना 50 डिग्री गर्मी होती है, 60 डिग्री गर्मी होती है वहां पे,
और लद्दाख जैसा ठंडा भी होता है, लद्दाख में माइनस में ठंडी जाती है, तो ठंडा भी होता है डेजर्ट, ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग, जनरली हम बोलें तो ऐसी जगह जहां पे पानी ही नहीं होता या थोड़ा सा पानी होता है और वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, ये प्लांट्स प्लांट्स नहीं उग सकते, ऐसी जगहों को लोग यूजुअली डेजर्ट कहते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? चलें, सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट, भाई ऐसे डेजर्ट्स कहीं होते हैं जहां पे वाटर होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी जगहों पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, वो बड़े बड़े ढगले बना देते हैं सैंड के, ठीक है, और माउंट्स के रूप में वो डिपोजिट करते हैं। माउंट मतलब बड़े ढगले, ठीक है, बड़ा सा ढगला हो जाता है रेती का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, तो डेजर्ट के अंदर अंदर ये सैंड ड्यून्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि जितना हवा आता है उतना वो जो रेतीला ढगला होता है, ठीक है, वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ऐसे ड्राई और शिफ्टिंग सैंड्स में, शिफ्ट मतलब वो जब एक जगह से दूसरी जगह सैंड चली जाती है, तो ऐसे ड्राई एरिया में और शिफ्टिंग वाले एरिया में सरवाइव थोड़े कुछ ही प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है, सारे प्लांट्स नहीं कर सकते हैं, तो एक दो प्लांट्स ही वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कैक्टस, तो कैक्टस उग जाता है वहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कॉम्प्रिहेंशन चेक और बात करेंगे आगे। आपका होमवर्क क्या है भाई? आपका होमवर्क है सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 2, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है फेयरबुक में। ओके, चलिए, बाय बाय।